मॉर्निंग बेब, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं और स्वाति हो चुके हैं जिम के लिए रेडी। होते हैं जिम के लिए रेडी अपन। नहीं, रोज कभी कभी होती थी, अब मैं रेगुलर जाने लगी तो आज मैंने अपने साथ स्वाति को भी ले लिया है और मैं और स्वाति दोनों जा रहे हैं जिम। और आज का जो रहने वाला है वो पता नहीं कैसा रहने वाला है ना, आज का कुछ डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, क्योंकि रजनीश भी घर पे नहीं है, वो आज गए हुए हैं कहीं बाहर, तो हम दोनों ही हैं, तो उनके बिना रौनक सी कम हो जाती है थोड़ी सी, जैसे आपके लिए भी कम होती है ना स्वाति? बिल्कुल। तो अभी हम लोग जाते हैं जिम और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए हमारे छोटे से पप्पी के लिए, तो हम आज उसका नामकरण कर देंगे। फिर उसमें से जो नाम एक अच्छा लगा वो नाम हम वहाँ पे उसका रख देंगे और जिसका भी वो दिया हुआ नाम होगा हम उसका मतलब एज पर जीजू की वो क्या बोलते हैं कंडीशन, उसको हम एज अ गिफ्ट फ्री सर्विस देने में देंगे। तो आप आना जरूर जिसने भी नाम सुजेस्ट किया होगा, बाकी सब तो आएंगे ही। तो अभी हम चलते हैं जिम, करते हैं अच्छा सा वर्कआउट, फिर मिलते हैं आपसे। इसमें आप पानी क्यों लेके जाते हो डेली? वैसे नॉर्मली तो वर्कआउट के बाद गरम सिप लेते हैं ना पानी के, मतलब नहीं नहीं, मैं वर्कआउट के बीच में पानी पीती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिससे ना गला गीला रहता है और फिर मेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बीच में पानी जरूर पीना चाहिए वर्कआउट के, थोड़ा थोड़ा करके। और इसके अंदर मैं फिर कुछ वो डाल लेती हूँ, मैं तो वैसे वो डालती हूँ ग्लूकोन डी अच्छा होता है बॉडी को, वो रखता है ठंडा, वही डालने जा रही थी बीच में, दिखाया नहीं। तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, ना धूप है ना कोई बहाना है। वेरी पुअर शायरी, क्या शेर मारा तूने। नहीं धूप नहीं है ना, हवा ही चल रही है सिर्फ। मेरे को ये गड्ढा सा दे दिया इतना बड़ा, मेरी गाड़ी लेके चले गए, सच में उसको चला के इसको चलाना ऐसे सा फील हो रहा है ना मेरे को, जैसे वो ट्रक चला रही हूँ। तभी तो बोला खतरों के खिलाड़ी, ट्रक चलाने वाली बात है सच में, ऐसे शू 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 करके निकाल रहे हो। वो तो फिर वहां पे उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी ना टेडी मेडी। तो सही सलामत पहुंच के हम आपको अपडेट देते हैं। पागल, हम सही सलामत ही जाएंगे, इसके आसपास जो होता है उसको डर होता है। यार कीचड़ के में ना आप गाड़ी लेके जा रहे हो, स्कूटी वाले पीछे उड़ जाए, बहुत गालियां देते हैं। मैं तो बहुत, जब कोई स्कूटी वाला एक्टिवा वाला जब बाइक वाला निकलने लगता तो मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, भाई तू पहले निकल जा, गाली मार देती हूँ। मैंने बहुत गालियां दी थी बता आपको, उस दिन जब तेरे ऊपर छिंटे पड़े थे, हाय हाय, एक्टिवा पे ही थी तू ना, मैंने मतलब हर के गालियां दी थी। सही बात है, अगला त्यौहार होकर कहीं जा रहा और गाड़ी वाले ऐसे निकलते है ना और छिंटे मार, वो तो जान के निकल के गया था, गंदा नहीं करना चाहिए ना ऐसा। मैं तभी तो बोल रही हूँ, मैं तो देखती हूँ ना कहीं कीचड़ है, पानी है, साथ में बाइक है, तो मैं पहले स्लो कर लेती हूँ, भाई तू पहले निकल, मेरा मैं बाद में चल दूंगी, दो मिनट कोई बात। आज रास्ता साफ है। हाँ पढ़ने आना था ना। तो हम पहुंच गए हैं जिम और यहाँ पे जगह ढूंढी जा रही है पार्किंग के लिए। मिल गई है, लादे पड़े छेती छेती लादे, कोई और ना आ जाए। जब बात जे तो है। पुश योरसेल्फ, अभी से ही जाके पानी पूरी पी लेते हैं। चलो चल। हेलो, कैसे हो? ऐसे वाले
तो मैडम जी हमारी वर्कआउट करके आ गए हैं और आप देख सकते हो पूरा निचड़े पड़े हैं ये पसीने में और बाल देखना जैसे धो गए धो के बालों की चोटी के जरिए हो गए टपक रहा है बहुत ओके है कोई वेट ना बढ़ाना बाद में कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है वेरी टफ इट इज तो यहाँ पसीना सुखा लिया गया है और वापस हो रही है अब घर जाने की तैयारी तो अभी चलते हैं घर थोड़ी देर करते हैं जाके रेस्ट और फिर मिलते हैं आपसे चले चल लो मैडम देवी जी जाना नहीं घर चलना मुश्किल है तो हम पहुंच गए घर थके हारे मैंने तो खैर कुछ नहीं किया है पर दीदी ने तो आज बहुत वर्कआउट किया भाई खोल लो छेती छेती अब वो दो प्राणी जो घर पे है देखना कैसे आते देखती अरे एक भागता होता था अब दोनों आते हैं आ गए आ गए छोटा देख छोटू किधर है छोटू किधर ओए होए होए मेरा बच्चा बहुत चैन है छोटे से बच्चे को रखा तूने मारा तो नहीं इसको नहीं बड़ा अच्छा बच्चा है अब तो दो जने हो गए बेटा तो तुम्हारा मन लग जाएगा भाई आप देख सकते हो घर में दो दो प्यारे प्यारे पेट्स होने का नतीजा दोनों चिमड़ के बैठे हैं दीदी को और यहाँ शाम की पूजा हो गई है डन इसके बाद हम पियेंगे चाय तो इधर हम लोग पी रहे हैं शाम की चाय साथ में ये कुकीज कौन से बिस्किट है स्वाती जीरे वाले ये आप उस दिन लेके आए थे चंडीगढ़ से ना टेस्टी है बहुत स्वाद है डिबोर्ड बो के खा रही लड़की तेरे भी लगेगा इंजेक्शन ढोलकी ओए ढोलकी इंजेक्शन लगेगा तेरे भी माए इसको ढोलकी को लेके इसकी वैक्सीनेशन के लिए तो यहाँ पे अलग अलग तरह के इसके फ्रेंड मिल रहे हैं ना मेरे पास एक दूसरा पोमेरियन है वो मैंने सेम कर रखा है उसने कुछ नहीं खाना वो इतना चूजी हो गया है ना वो नहीं खाता कुछ भी और वो खुद खाता नहीं इसको खाने नहीं देता मेरे को कोई चक्कर नहीं है एवरी ईयर सिंगल सिंगल डोज रिपीट नाइस नेम ना पर वो व्यूअर्स बोलेंगे कि हमसे पूछ के और हमारे वाला कोई नेम सेलेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब अलग सर और कोई सजेशन विस्की के अलावा मतलब शराबी होता है आप देख सकते हैं इधर हमारे छोटू के कितने ज्यादा फैंस मिलके क्यूट है ना आपने भी करना टच आपने भी करना आगे कर ले और कर लिया आगे लाना पड़ेगा मेरे को बच्चे कहते हैं कि है ना आप ले आओ मम्मी मैं हंसूंगी मैं कहा तुम कुत्तों पिल्लों को पाल दूंगी वही बहुत है नहीं बट ये बहुत प्यारे होते हैं मेरे पास दो है एक पहले है और एक ही अभी लिया है ये गिफ्ट किया है मुझे किसी ने एक्चुअली हाँ जी ये 30-35 का रहता है टॉय पॉम है ना ये ऐसे ही रहते इतना छोटा है इतना ही रहेगा ये बस ये मैक्सिमम है जितना है तो आप देख सकते हो हम इसको छोटू को आज एक्टिवा पे लेके गए थे तो इधर देखिए तो ये बताओ पहले ऊपर खड़ी कर तो आपको आवाज भी नहीं सुन रही होगी ऊपर ही कर लेना नीचे क्या करेंगे तो इसको लेके जाने के लिए हमें एक्टिवा लेके जाने पड़े क्योंकि इस टाइम रश इतना हो जाता है ना तो मैंने सोचा गाड़ी में बहुत टाइम लग जाएगा तो एक्टिवा पे चलते हैं आपको सुन नहीं रहा होगा तो हम घर जाके बात करते हैं आप देखिए और यहाँ डोलू भागते हुए कम डोलू कम 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 ले ही आए आप इसको कम कम करते हुए और क्या बड़ी मुश्किल से डोलू थका नहीं तू अभी तक आए डोली अभी भी इसका घूमने का मन है नहीं घूमना बेटा बहुत हो गया डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट तो वैक्सीनेशन के बाद आप देख सकते हो हमारे ढोलकू को आ रही है नींद और ये अभी आराम से सो रहा है ये देखो और इधर स्वाति बैठी हुई है तो स्वाति खाना खुने का क्या प्रोग्राम है खाइए आज
आइए अज तक ही मतलब लेट हो गए ना भूखे सोने आप आगे नहीं नहीं रजनीश भी आ गए हैं घर पे तो मैंने उनके लिए खाना डाला है ये लस्सी और करेले की सब्जी और साथ में रोटी है तो उनको देते हैं खाना क्या हुआ चूहे हैं मैं नहीं खाना नॉन वेज यार ना करेले खा के देखो देसी घी में बनाए हैं बहुत टेस्टी है नहीं बनाए सरसों के तेल में नॉन वेज है यार हद करते हो करेले ये खाते नहीं मैंने बोला था ना स्वाति करेला नहीं खाएंगे नहीं खाते ये खा के एक बार खा के देखो मसाला मसाला अंदर से खा के देखो ना अच्छा लगा तो मैं और सब्जी बना दूंगी पक्की बात एक बार खा के तो देख लो यार सच्ची में टेस्टी है ना खा के देखो बहुत टेस्टी है करेले खाने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि अच्छे नहीं है मैं खाता ही नहीं यार टेस्टी है ना खा के तो देखो मैं देखे ना नॉन वेज की फील आ रही है यार करेले में नॉन वेज की फील कहाँ से आती है बीच में आ रही है मैं क्या करूँ धक्के से ही तो कैसा लग रहा है ठीक है खानी पड़ेगी मैं कभी खाई नहीं यार तो नहीं ना ना भरा हुआ है देखो सही अंदर से मसाला कितना टेस्टी है खा के देखो एक बार फिर पता लगेगा टेस्टी है ना ठीक अच्छे खतरों के खिलाड़ी आज के लेके आए हो ये देखे कि ये आया था घर पे अपने राम जी का घोड़ा इन्हू राम जी का घोड़ा कहते कुछ तो शेफ इसके पीछे पड़ा था तो मैंने इसको पकड़ लिया मैं इसको सोच रही हूँ बाहर छोड़ दूंगा ना बेचारे छोड़ दो आपको डर नहीं लग रहा इसको पकड़ के नहीं ये भी तो जानवर ही है है तो पर खतरनाक है टांगे देख रहे हो मतलब ये जानवर है क्या नहीं ये जानवर है क्या ये मुझे क्या पता देख 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 इसकी टांगे कितनी है एक दो तीन चार पांच छह टांगे ये ना मन मन में सोच रहा होगा कैसे कमलों के घर में आ गया हूँ मैं ऐसे करके खिड़की पा रखी है मेरे को कि मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को नहीं सोच तो रहा होगा आ तो मैं गया हूँ घोड़ा इन पंजाबी च घोड़ा आंदे ने वैसे केड़ी केड़ी साइड तो एक घोड़ा है दस्सो पर ये तू चढ़े ने ऊपर घोड़ा की मैं एक बात पूछ रही हूं वैसे अक नहीं होता जो अक सुना अक का पौधा होता है उसके ऊपर होते हैं ये मोस्टली नहीं ये इस सीजन में होते हैं दो उड़ गया उड़ गया इसके ऊपर एम बना हुआ है दो एम बना हुआ है उड़ गया अगर हम इसको पालना चाहे तो क्या पाल सकते हैं घर पे पाल सकते हो पर इसको ढूंढते कहाँ फिरोगे ना ये उड़ जाता है नहीं तो इसको पाल लेते और ये देखो ट्राई कर रहा है कि मैं मतलब हाथ ना छोड़ूं ये देखो हाँ ये हग कर रहा है उंगली को आपकी बट नहीं हम इसको अभी आजाद कर देते हैं तो चले जाइए अपने घर पे जा ही नहीं रहा है वो उसका उसका दिल ही नहीं है जाने का चला गया दे दी अलविदाई हाल देख लीजिए आप एक दीदी के पैरों में पड़ा है एक वहाँ पैम्परिंग करवा रहा है वो देख पैर क्यों खुजा रहा वो देख क्या कर रहा ढोलकी क्या कर रहे है ये खेल रहा है वो और इसको चाहिए पैम्परिंग की मेरे को कर और ये देख कैसे चढ़ा हुआ ये भी पैम्परिंग बांट के कैसे करूँ बच्चा दोनों बच्चे आ जाए करो मेरे पास ये तो पूरा इस टाइम मस्ती के मूड में है ढोलकी दोनों को संभालो दीदी तो देख रहे ये शैम्पू को प्रॉब्लम होती है कि उसे इतना पैम्पर क्यों कर रही है तो वो भी आ गया वो भी आ गया दोनों आ गए क्या करूं बताओ न्याणे हो पर दीदी एक चीज है ये ढोलकी है ना ये कैमरा फेस करता है और शैम्पू नहीं करता शैम्पू कैमरा देखते ही भाग जाता है ढोलकी ढोलकी खेलने के मूड में फुल ऑन ओए 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 ओए